आज गांव की सभी महिलाएं एएनसी और अन्य जांचों के लिए आंगनवाड़ी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जा पहुंची हैं। आइए एएनएम दीदी से जानते हैं कि वो सिंटू की प्रसव पूर्व जांच में कौन कौन सी जांच किस लिए करने वाली है। आइए किरण बैठिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। और सब कैसे है? सब ठीक है दीदी। बढ़िया है। हाँ, सब ठीक है। और सब गांव में ठीक है? सब ठीक है। नाम क्या हुआ आपका? सिंटू कुमारी। सिंटू कुमारी, क्या बात है? मासिक धर्म रुक जाने की आशा दीदी से के साथ यहाँ आए हैं। कितना दिन बढ़ा है? एक डेढ़ महीना हो गया। अच्छी बात है कि रुका है, तो अब उसका तो जाँच करना होगा हमको। ये है निश्चय कीट, इससे हम ना पेशाब जाँच करेंगे, समझे? इस पे दो बूंद पेशाब डालेंगे ना तो पता चलेगा। इसमें एक लाइन रहेगा तो निगेटिव आता है, दो लाइन रहेगा तो पॉजिटिव आता है। पता चलेगा कि गर्भवती हैं कि नहीं। और पेशाब लाने के लिए एक डब्बा देंगे, पेशाब लेके आइएगा। दीजिए कुसुम। ठीक है, जाते हैं। हाँ, लेके हाँ, सही बात, मैं माँ बनने वाली है। अरे आप तो माँ बनने वाली हैं। गर्भवती हैं? हाँ, देखिए दो लाइन अगर हो गया रेड तो आप गर्भवती हो गए हैं। अब हम आपका पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण क्यों? पंजीकरण इसलिए करेंगे कि आपको जो भी सरकारी सुविधा है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपका नाम क्या हुआ? सिंटू कुमारी। पति का नाम? विनय कुमार। घर? अनंतपुर। पोस्ट? माधोपुर। ब्लॉक? चंडी। और आप मंथली महीना कब हुई थी महावारी? 3 जेठ में। ठीक है। आपका बच्चा आपको 10 तारीख को दूसरा महीना में होगा। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, इसमें ना माँ और बच्चा दोनों का पूरा जानकारी भरा हुआ रहता है। एक कार्ड क्यों भरे? कार्ड हम इसलिए पूरा जानकारी इसमें भरते हैं कि जब अगर हम नहीं रहे तो कार्ड देख के ही आपका पूरा स्वास्थ्य का क्या आपको दिक्कत है नहीं है सारा इसमें उनको पता चल जाएगा। समय समय पे जब भी आइएगा आपको सारा जांच करके इसमें भरते जाएंगे लोग, इसीलिए कार्ड इस भराता है पूरा। जी ठीक है। और जब भी आना है कार्ड जरूर लेके आना है। प्रथम प्रसव पूर्व जांच, इसमें पूरा मतलब पहली बार आइएगा दूसरा बार आइएगा तो सब भराएगा। फिर है प्रसव जांच, कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच की व्यवस्था का जांच होगा जो भरेंगे क्या है स्थिति। फिर रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर जांच करेंगे, रक्त पेशाब सब जांच करेंगे, जो भी सब भरेंगे इसमें कितना आपका आया वो जो भरना है। फिर वजन लेंगे जो जब भी आइएगा लेके तो पूरा इसमें भरते हैं। और टेटनस की सुई देते हैं उसका यहाँ पे भरते हैं। फिर आयरन और कैल्शियम की गोली देते हैं, हम कितना मात्रा में दे रहे हैं वो भरते हैं। ये सब जांच कब होगा दीदी? हाँ, अभी होगा जांच सब। अभी होगा? अभी। हाँ हाँ, अभी होगा। पानी उनी पी के आइए, थोड़ा बैठिए, हम अभी और जाँच करेंगे। ठीक है। चप्पल खोल के आप इस पे चढ़िए, वजन हम आपका करेंगे। अभी तो आपका वजन 45 किलो है। पूरे गर्भावस्था के दौरान 9 महीने में कम से कम 10 से 12 केजी वजन बढ़ना चाहिए, इसलिए हम बार बार वजन लेते हैं। जब भी आइएगा हम आपका वजन लेंगे, इसलिए कि मतलब 10 से 12 केजी बढ़ जाए वजन। आइए अब हम आपका रक्त दाब का जांच करेंगे। रक्त दाब की जांच इसलिए लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान अगर कोई दिक्कत है तो उसकी पुष्टि होती है। बढ़ा हुआ भी है तो भी दिक्कत होती है, कम है भी तो भी दिक्कत होती है। अभी तुम्हारा रक्त दाब नॉर्मल है, जो हम तुम्हारा एमसीपी कार्ड पे मातृत्व बाल सुरक्षा कार्ड पे लिख दे रहे हैं। जी ठीक है। अब हम तुम्हारा एक टेटनस का सुई लगाएंगे। नहीं नहीं, दर्द क्या करेगा, उससे जरूरी है लगाना, उससे तुम्हारा तुम्हारे बच्चा दोनों को टेटनस बीमारी से बचाव होगा। जन्म के समय जो भी बीमारी से भी बचाव होगा और मृत्यु की संभावना घट जाएगी। नहीं लग पाएंगे, दर्द थोड़ा सा सुई जैसा चुभेगा।
दर्द नहीं है? नहीं दर्द लगाए सुई। ठीक है दीदी, लगाइए, अच्छा से लगाइएगा। अब एक और जांच है, खून की जांच और पेशाब की जांच कराना है, वो लैब से जाके कराना है। उसका क्या फ़ायदा है वो हम बता देते हैं। एक तो पहले पता चलता है कि खून की कमी तो नहीं है, और दूसरा है कि कौन ग्रुप का तुम्हारा खून है। जब भी तुम्हारा प्रसव होगा तो उसमें जब ग्रुप जानकारी रहेगा तो खून का उपलब्ध करा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ा चढ़ाने के लिए तो। इसीलिए उसका जांच कराना जरूरी है। HIV और हेपेटाइटिस चाहे कोई बीमारी संक्रमण है तो उसका जाँच होता है, वो सब पता चल जाएगा। पेशाब के जाँच करवाना है। प्रोटीन एल्बुमिन होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, गर्भवती को परेशानी होता है डिलीवरी के समय में, इसीलिए खून और पेशाब का जांच कराना जरूरी है। और इनके साथ कोई गार्जियन भी आए हैं तो बुलाइए, बुलाइए। नमस्ते, बैठिए। आपकी बहू माँ बनने वाली है। भगवान की इच्छा, वैसा तो आदमी चाहे, खुशी की बात है। तब उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खान पान का ध्यान देना पड़ेगा, पौष्टिक आहार के बारे में देना होगा कि इसको जड़ मूल वाला सब साग सब्जी फल फूल देना होगा, दूध देना है, दूध से बना हुआ सामान देना है जैसे दही पनीर ये सब दीजिएगा। एक तो बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेगी। कड़ी मेहनत और भारी सामान नहीं उठाने देना है, क्योंकि उससे दिक्कत होगा बच्चा और माँ दोनों को। आराम करना है कम से कम दिन में 2 से 3 घंटा और रात में 8 घंटा। तो अपना अपना ध्यान रखना देह पर कि हाँ हम ऐसे गर्भवती है तो हम वजन नहीं उठाएंगे, सोने का है तो 2 घंटा दिन में कैसे समय निकाल के आराम कर लेंगे। रात में तो ऐसे हूँ आदमी 8-9 बजे सो जाता है तो 8 घंटा। बच्चा स्वस्थ चाहिए तो आप लोग सहयोग कीजिएगा, तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हो। बहू को कार्ड दिए हैं, जब भी आइएगा जो लेके आना है, क्योंकि कोई भी अगर हम ना रहें, कोई और डॉक्टर चाहे NM रहेंगे तो इसको देख के आपका आपकी बहू का सारा जानकारी इसमें से देख लेंगे कि क्या है नहीं है, वो अपना अपने हिसाब से काम करेंगे। अभी तो आपका पूरा पहला जांच का भर आ गया है इसमें, और दूसरा बार आप आइएगा 4 से 6 माह के बीच में। और अगर आपको पूरा गर्भावस्था के दौरान आप सही कोई जटिलता नहीं होगी तो कम से कम 4 जांच कराना जरूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाएगी मतलब जटिलता हो जाएगी ना, तो 4 से ज़्यादा बार भी आपको आना पड़ सकता है। ये किताब है सुरक्षित मातृत्व, जो भी गर्भवती माता की जानकारी सारा है, कब NC जाँच कराना है, कब TT लेना है, कब इसमें क्या खाना है पीना है, सारा जानकारी इसमें है। तो अपना बहू जाएंगी तो घर में पढ़ेंगी। नमस्ते। और कैसी हो सिंटू, सब ठीक है ना? खाना पीना सही से हो रहा है ना? टीटी ले ली, एक और टीटेट भाई का जो सुई बोले थे कि लेना है ले ली। ठीक है, आराम कर रही हो ना जैसे बताए थे वैसे? खाना पीना कर रही हो ना जैसे बोले थे सारा चीज़? और डिलीवरी जब भी करवाना सरकारी हॉस्पिटल में कराना, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की देखरेख में होगा और तुम्हारा तुम्हारे बच्चा का जांच भी हो जाएगा, और वैसा कोई दिक्कत होगा तो फिर यहाँ सारा सुविधा भी मिलेगा निःशुल्क, तुम्हारा जो भी लाभ मिलेगा प्रोत्साहन राशि वो भी मिलेगा सारा। ठीक है, अब सारा जांच तो तुम्हारा सही समय पे हो गया है। अब एक बहुत ज़रूरी बात बताना है जो कि दवाई से कुछ संबंधित है, ये है आयरन की गोली। इसको अक्सर महिलाओं में ना खून की कमी पाई जाती है, इसको जो कि बच्चों और घर में पल रहे बच्चों पर भी असर करता है। इसको रोज़ 1 गोली रात में खाना है, जिससे कि खून की कमी दूर होता है। आखिर तुम्हारे बच्चों को खून से जो रिश्ता जोड़ना है ना, इसी गोली से बनेगा। ठीक है, खाएंगे इसे। ये है कैल्शियम की गोली, इसको खाने से गर्भ में पल रहे बच्चों की मस्तिष्क को विकसित करता है और हड्डी भी मजबूत करता है, माँ को भी हड्डी मजबूत करता है। इस सुबह प्रतिदिन 1 गोली खाना है, यो 180 गोली पूरा खाना है पूरे गर्भावस्था के दौरान।
यह है कीड़े मारने की गोली। एक गर्भवती महिला को दूसरा सिमाही में मतलब कि 4 से 6 महीने के बीच में एक गोली लेना जरूरी है, क्योंकि इससे अगर पेट में कीड़ा होगा तो आपको जो भी खाइएगा खून की कमी हो जाएगा, नहीं बनने देगा खून, इसलिए एक गोली पूरे गर्भावस्था के दौरान लेना जरूरी है। कार्ड दिखाना थोड़ा, देखो कितना अच्छा लग रहा है कि तुम बार बार आई हो, समय दियो हमको, जांच उच करवाई हो, सब सही है, वजन भी बढ़ रहा है और सब ठीक है, आयरन की गोली भी खा रही हो, सारा चीज बढ़िया। आज हम एक जरूरी बात बताएंगे तुमको, जो कि अक्सर गर्भावस्था में परेशानी होता है, उसके लिए हम तुमको कहाँ जाना है इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि योनि से खून उन आने लगेगा, बहने लगेगा, तब और हॉस्पिटल जाना है दिखाने के लिए, उसको हल्के में नहीं लेना है। योनि से में खुजली होने लगेगा तो भी जाना है हॉस्पिटल। योनि में से श्राव, बदबूदार श्राव आने लगेगा तो भी जाना है। अगर हॉस्पिटल इस सब हल्के में मत लेना, उसको ज़रूर दिखाने जाना हॉस्पिटल। और उसके बाद अगर बुखार तो आता है हल्का फल्का, मगर तेज़ बुखार आया तो भी जाना है, लगातार उल्टी हो रहा है तो भी जाना है हॉस्पिटल दिखाने के लिए। उसके बाद है कि अगर पैर में या पूरे शरीर में सूजन उजन है तो उसको भी, और चेहरा में सूजन हो गया है तो उसको भी हल्का में नहीं लेना है, दिखाने के लिए ज़रूर जाना है। अगर कोई दिक्कत है तो ऐसा बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। कि जैसे कि आँख माथा में तेज दर्द हो गया, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये सब भी हल्के में ना लेना है, हॉस्पिटल जरूर जाना है। और जबकि जब तुम्हारा बच्चा जो गर्भ में है उसको जब ज़्यादा हरकत कम करेगा तो भी हल्के में नहीं लेना है, उसको भी हॉस्पिटल जाके दिखाना है कि बच्चा काहे मेरा सुस्त है गर्भ में, उसको दिखाना है, एकदम जरूरी से जाना है दिखाने के लिए। ये सब खतरा के लक्षण है कि हॉस्पिटल में जाके दिखाना, उससे कोई दिक्कत होगा तो उसका फिर इलाज होगा, दवा हुआ चलेगा तो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम्हारा हम पेट का जांच करेंगे, बच्चा का हलचल देखेंगे। चलो पेट के जांच में हम देखते हैं कि बच्चा बढ़त कर रहा है, और बच्चा कुशल तो है। चलो उठो अब कुर्सी पे बैठो, कुछ बात करेंगे। अब और सिंटू, अब आपका अब 9वां महीना पूरा हो रहा है, तो जब आपका बच्चा और आप हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, तो कुछ उपाय अपनाइएगा ना परिवार नियोजन के, कि दोनों बच्चा में अंतर रहे। उसके लिए बहुत सारा उपाय है, जैसे कॉपर टी हो गया लगवाइएगा, तो अगर बच्चा में अंतर रहेगा दो बच्चा के बीच में, तो आप भी स्वस्थ रहिएगा, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है दीदी, बताइएगा आपको क्या अच्छा तरीका रहेगा। अच्छा तो जो भी आप यूज करना चाहिएगा, सब उपयोग करना चाहिएगा, सब अच्छा ही रहेगा। जैसे कॉपर टी भी लगवाना चाहते हैं तो बच्चा जन्म लेगा उसके तुरंत बाद भी लग सकता है, और ना तो फिर उसको 1.5 महीने के बाद भी लग सकता है, तो आप सोचिएगा जो उपाय लीजिएगा, यहाँ से मुफ्त में मिल जाएगा। बच्चा जन्म लेगा उसके तुरंत बाद तुमको स्तनपान कराना है, उसमें जो गाढ़ा पीला दूध होता है वो बच्चों को खून की कमी होने से बचाता है, स्वास्थ्यवर्धक उसमें पौष्टिक रहता है, उसको पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको बाहर करके फेंकना नहीं है। अब तुम्हारा 4था जांच है आज, और इसमें जांच भी करेंगे, आज कुछ प्रसव के लिए तैयारी कैसे करना है वो भी बताएंगे। जो भी हॉस्पिटल में करवाना है उसका फ़ोन नंबर लेके रखना है, नाम जानकारी रखना है, और
गाड़ी एम्बुलेंस से जाएगी या जो भी गाड़ी से जाएगी उसका फ़ोन नंबर लेके रखना है, और कार्ड जो दिए हैं उसको ले साथ में रखना है। तो हम सारा व्यवस्था इनको करवा के और उसी दिन एम्बुलेंस बुला के हम एडमिट करवा देंगे इनको लाके। आखिरी दिनों में अच्छा से ख्याल रखिएगा इनका, अब आखिरी दिन चल रहा है, ठीक से ख्याल रखिएगा। ठीक है दीदी, नमस्ते दीदी, चलिए आराम से जाइए। तो इस तरह सिंटू दीदी का प्रसव सुरक्षित और खुशहाल रहा। उनके घर में एक नन्ना बच्चा आया और उनका परिवार खुशी से खिल उठा। अगर आप भी गर्भवती हैं तो आज ही अपने गांव की आशा या ANM दीदी से जाकर संपर्क करें और कम से कम 4 महत्वपूर्ण ANC जांच के बारे में अपने परिवार एवं सहेलियों को जरूर बताएं। धन्यवाद।